हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का दूसरा दिन है यहाँ पे घूमने का, और आज हम लोग का प्लानिंग है दो जगह जाने का। एक वघई में ही जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, इको टूरिज़्म, वहाँ से पास में ही वघई तालुका में ही एक वाटरफॉल है, और दूसरा इसके साथ एक अजमलगढ़ का पहाड़ी है, तो एक वहाँ पे भी जाने का प्लान है। दोनों जगह जाएंगे, उसके बाद फिर जब टाइम मिलेगा इवनिंग में तो वापस यहीं पे आके नदी किनारे बैठेंगे और इवनिंग का मज़ा लेंगे नदी किनारे कि कैसा लगता है और कैसा फील होता है। ये रोड सापुतारा जाने का रोड है, ये वघई से सापुतारा जाने का है। ये रोड इतना शानदार ग्रीन, ये कुछ कहने का नहीं, आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ पूरा लेस ग्रीन, और इतना डेंस फॉरेस्ट है। ये देखो कि आप यहाँ से 2-4 मीटर भी अगर अंदर जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इतना डेंस फॉरेस्ट है। और ये बारिश का मौसम अभी कि लग अच्छा था कि अभी बारिश रुका हुआ है, तो ये बारिश रुके होने के कारण ये अभी थोड़ा सा बस ऐसा रोड है कि बस गाड़ी चलाते रहो इसमें धीरे धीरे। ये रास्ता है गीरा वाटरफॉल जाने का। गीरा वाटरफॉल एक बड़ा मजेदार है, आगे लगभग यहाँ से मेन रोड से वघई से जब सापुतारा जाइएगा तो मेन रोड से आपको लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर है, तो पूरा नेचुरल फॉरेस्ट के बीच में है। दोनों तरफ देखिए, एक साइड धान का खेती, एकदम नेचुरल फॉरेस्ट है। पैदल दूर था यार, नजदीक नहीं था। अब पक्का रास्ता है ना, देखिए अच्छा पार्किंग यही है। हाँ, आगे तो वाटरफॉल है। ये अभी हम लोग जा रहे हैं, वाटरफॉल है। ये देखिए छोटा छोटा मार्केट, यहाँ पे सब टॉयज वगैरह वुड का और बम्बू का बना हुआ मिलेगा। ये है वाटरफॉल जो वघई का जो वाटरफॉल है ये है। ये मेरे ख्याल से अंबिका नदी पे ही है, जो हम लोग के जो होटल के पास है वही नदी का है। ये घूम करके ये यहाँ पे गिर रहा है। अभी हम लोग वाटरफॉल देख लिए, अब हम लोग का प्लान है अजमलगढ़ का पहाड़ी देखने जाने का। तो अजमलगढ़ भी एक बहुत हाइटेड प्लेस है, वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा टॉप हिल पे है तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है, काफ़ी तेज विंड होता है वहाँ पे। तो चलिए अजमलगढ़ पहाड़ी की तरफ चलते हैं और वहाँ का कैसा मौसम है और नज़ारा है उसका इंजॉय करते हैं।
ये है अजमलगढ़ का पहाड़ी। यहाँ पे ये बीच में छोटा सा कुछ रिमार्केबल स्पेस बना हुआ है। बाकी यहाँ का व्यू देखिए, बादलों के बीच में बहुत हाइट है, एकदम स्टीप स्लोप था, चढ़ाई थी नहाने के लिए, बट यहाँ आने के बाद मन खुश हो जाएगा। ये देखिए यहाँ का व्यू, यहाँ से नीचे छोटी छोटी गाड़ियों चल रहा होगा, क्या पता कितना आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन ये देखिए छोटी छोटी गाड़ी इतना हाइट पे है। यहाँ का व्यू इतना शानदार है, बट यहाँ पे भी लोग गंदा संदा कर देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, चिप्स का पैकेट, ग्लास, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज नहीं करना चाहिए। इतना साफ सुथरा जगह है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इस साइड आइए, इस साइड और भी बढ़िया है। ये पहाड़ी के हिल टॉप पे है, गार्डन जैसा बना हुआ। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। वाह, इसका तो हिस्ट्री बहुत अच्छा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज इसको यूज करते थे कैंटोनमेंट एरिया और गोरिल्ला वार करने के लिए ये यूज करते थे। वाह, 16th सेंचुरीज में पारसीज लोग यहाँ आए थे। यहाँ देखिए आगे हनुमान मंदिर भी है। हाँ, ये शिव मंदिर है सामने। हाइट क्या है, कितना? कितना शानदार मौसम है, तो तेज हवा। अभी थोड़ा देर पहले ये पूरा दिख रहा था, अभी हल्का हल्का बारिश है, कुछ नहीं दिख रहा है नीचे क्या है क्या नहीं। अभी किलाद इको टूरिज्म में रुके हुए हैं, तो अभी कल तो आए थे यहाँ पे तो गिरे थे बड़ा तेज कल इवनिंग में। आज फिर से आज सोच रहे हैं थोड़ा सा नदी साइड में जाने के लिए। देखिए पीछे बैकग्राउंड में कितना तेज फ्लो है नदी का। आज फिर चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा लगता है। देखिए ये पगडंडी, ये रास्ता है यहाँ पे चल रहे हैं अभी। यहाँ पे पानी के पास आना तो अलाउड नहीं है ऑफिशियली, क्योंकि ये सब डेंजरस जोन में है, खास करके बच्चों के साथ। लेकिन फिर भी सोचे कि चलो आए हुए हैं तो थोड़ा सा नदी के पास बैठते हैं पत्थर पे, देखते हैं कैसा फील होता है। ये देखिए नदी, और इधर अगर टर्न लेंगे तो ये पीछे पीछे साइड में इको टूरिज्म।
चलिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।